हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई रो रहा है पछतावे के आंसू, तो क्या हो रही है इस पर्सन की हालत, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे 7 कार्ड्स और ओरेकल में से लेंगे 9 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं हम कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड है वो आया है 4 ऑफ वैंड्स का, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। मोस्टली ये कार्ड शादी को लेके माना जाता है, तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको शादी से मना किया था, यानी कि आपने अगर इनसे पूछा था कि आप इनके बारे में सीरियस है, तो हो सकता है इन्होंने आपसे डायरेक्टली बात की थी कि नहीं ये शादी नहीं करना चाहते, और अब इनके घर में शायद इनकी शादी की बातें चल रही है। वो शायद किसी ऐसे पर्सन के साथ हो सकती है जिनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और अब उन्हें पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों अपने पर्सन को मना किया जबकि वो मेरे लिए इतना ज़्यादा परफेक्ट था या परफेक्ट थी। फिर है द लवर्स का कार्ड। जैसे यहाँ पे एंजल्स है और ये दोनों भी है, वैसे ही एंजल शायद अब इस पर्सन को ये एहसास दिला रहे हैं कि तुमने अपनी ज़िंदगी में कौन सी गलती की है उसको समझो, यानी कि जो पर्सन तुम्हारे लिए था, जो तुम्हारे लिए चुना गया था, जो तुमसे सच्चा प्यार करता था या करती थी, तुमने उसके साथ क्या किया है, इस बात का एहसास दिल से फील करो और अब अपनी ज़िंदगी का फैसला लो। और ये जब वो समझ रहे हैं कि शायद एंजल्स की भी वो हेल्प ले रहे हैं, यानी कि हो सकता है भगवान के ऊपर अगर भरोसा करते हैं तो भगवान से काफ़ी ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं आप दोनों के दोबारा एक साथ होने को लेके, लेकिन वो बात भी नहीं बन रही है और इसलिए इन्हें और भी ज़्यादा पछतावा हो रहा है। फिर है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। 3 ऑफर सामने है। जैसा कि मैंने कहा कि शादी को लेके अगर घर वाले सीरियसली कुछ फैसला ले रहे हैं तो हो सकता है रिश्ते उनके सामने हैं, और मे बी इस पर्सन को बोल दिया है कि इन तीनों में से किसी को चूज़ कर लो क्योंकि ये घर वालों की उनकी पसंद हो सकती है, लेकिन ये पर्सन उन बातों की तरफ ध्यान देने के हालत में नहीं है। उनको याद आ रहा है वो कब जो कभी आपने सच्चे दिल से उनको ऑफ़र किया था, और अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इन ऑफ़र का करूँ क्या, ऐसी किसी पर्सन को चुन के मुझे क्या फ़ायदा जिससे मैंने कभी प्यार किया ही नहीं, या फिर उनको ये भी लग रहा है कि ये जो प्रपोजल्स उनके सामने हैं उनसे वो कभी प्यार कर ही नहीं सकते। फिर है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे इस किंग का जो ड्रेस है वो रेड कलर का है, लेकिन उसने उसके ऊपर एक शॉल लेके रखा है, यानी कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अभी भी अपने दिल के जो जज्बात हैं वो हो सकता है घर वालों से छुपा के रखे हैं कि अभी भी ये क्या चाहते हैं या क्या चाहती है, और ये कुछ एक्शन के बारे में सोच रहे हैं कि अगर घर वालों की मर्ज़ी के मुताबिक ये कुछ करेंगे तो हो सकता है सभी बातें उनके दिल के खिलाफ जाएं, और अगर अपनी मर्ज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो श्योर नहीं है कि आपकी तरफ से उनको क्या आंसर मिलेगा, यानी कि आप उन्हें माफ़ करेंगे भी या नहीं। फिर है द हीरोफंट। जैसे हीरोफंट के कार्ड में होता है किसी से सलाह मशवरा होता है, जैसे ये दोनों भी कुछ सलाह मशवरा करने के लिए आए हैं क्योंकि ये यहाँ पे दो चाबियाँ रखी हुई हैं जो क्रॉस एंगल में है, तो जैसे प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ होता है, और जब हमें खुद सोल्यूशन समझ में नहीं आता तो हम दूसरों की मदद लेना पसंद करते हैं, उनका ओपिनियन मानते हैं जिनके ऊपर हमें भरोसा होता है, तो ऐसे ही शायद ये पर्सन शायद किसी से ओपिनियन ले रहे हैं, और मे बी उस पर्सन ने भी उनको यही समझाया है कि तुमने अब खुद ही अपने हाथों से सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड किया है कि तुम्हें अपने बारे में खुद ही सब कुछ सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, यानी कि अगर बात यहाँ पे आपको मनाने की है तो ये थर्ड पर्सन कैसे आपको मना सकता है, आप दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ है,
आपका नेचर कैसा है ये आपके पर्सन के अलावा और कोई कैसे समझ सकता है। और जब बात आती है सीरियसनेस की, तो ऐसी हालत में तो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अपने हाथ झटक देते हैं और ये बोल देते हैं कि तुम अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, ये है सॉल्यूशन, अगर बन रहा है तो देखो, तो वैसे ही इस पर्सन की हालत हो रही है। फिर है नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। इनका मन कर रहा है कि ये पैशनेटली दौड़ के आपकी तरफ आए और आपको बता दे कि ये ज़िंदगी में एक्शन क्या लेना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे जैसे हम कार्ड देखें तो ये शायद आपके सामने कन्फ्यूज करने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं बता दूँ अपने पर्सन को कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, और उसके बाद क्या है, तो शादी को लेके सीरियसली ये क्या सोच रहे हैं, मे बी ये बताना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है टेन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कम्युनिकेशन के काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस उनको फील हो रहे हैं, अपना चेहरा आपको दिखाने की हालत में ये नहीं है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, पछतावे के आंसू रो रहा है ये जैसा टॉपिक है। तो खुद अगर प्यार को अपनी ज़िंदगी से हटाने की कोशिश की है तो अब कौन से मुँह से ये बात करेंगे और कैसे अपनी गलती मानेंगे ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। ये अब सबकी मदद शायद ले चुके हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात को दोबारा छेड़ूं कैसे। फिर है मिलना, कहीं ना कहीं इनका मन कर रहा है कि आपसे मिलने के लिए पूछे, यानी कि अगर ये दिल से गिल्टी फील कर रहे हैं तो हो सकता है आपसे मिल के आपको ये सब बताना चाहते हैं। फिर है खुद को सजा, तो राइट ना वो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि उनको सज़ा मिल रही है, और ये और किसी बात की सज़ा नहीं है, उनके खुद के किए की सज़ा है। फिर है मन की गहराई, तो जब भी ये अकेले होते हैं तो शायद मन की गहराई से और भी ज़्यादा आपके बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं दिल में तो भगवान का वास होता है, और जब हम दिल की बातें नहीं सुनते और कुछ जैसा मन में आया दिमाग में आया वैसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मन कोसता रहता है कि देखो तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं तुम्हारी वजह से आज दुखी हूँ, नहीं तो मैं उस पर्सन से मिलता था या मिलती थी तो मैं खुश रहता था। तो ऐसी दिल की बातें उन्हें सुनाई देती है जो उन्हें और भी ज़्यादा पछतावा करने पर मजबूर कर देती है। फिर है जादू, तो ये चाहते हैं कि राइट नाउ इनकी हालत जो भी है, जो भी ज़िंदगी में चल रहा है, वहाँ पे मैजिकली ही कुछ चेंज हो सकता है, बगैर जादू के तो इनकी ये हालत चेंज होने वाली है नहीं, तो चाहते हैं कि कोई मिरेकल हो। फिर है महसूस होना, तो अब जाके कहीं ये पर्सन सच्चे दिल से महसूस कर रहे हैं कि आपकी इम्पोर्टेंस आखिर क्या है इनकी ज़िंदगी में, या फिर लवर्स के बिल्कुल ऊपर कार्ड आया है ये, उसको लेके भी ये सोच रहे हैं कि प्यार करना क्या होता है, और शादी के ये फोर ऑफ फैंड्स के भी बिल्कुल ऊपर कार्ड आया है, तो उन्हें महसूस हो रहा है कि अगर गलत पर्सन के साथ शादी हो गई तो ज़िंदगी क्या बनेगी। फिर है छुपा, तो कई सारी बातें हैं जो शायद इन्होंने अपने घर वालों से छुपा के रखी है, इस बात का भी इन्हें पछतावा है, और हो सकता है कई सारी बातें हैं जो इन्होंने आपसे भी छुपा के रखी है। फिर है सख्ती, कहीं ना कहीं मे बी अब इनके घर वाले शायद इनके साथ सख्ती बरत रहे हैं, यानी कि हो सकता है इनका नेचर उनको पहले से पता है, जिसकी वजह से इन्होंने कुछ घर वालों ने डिसीजन लिया है कि नहीं हमने जो डिसाइड किया है, जैसे यहाँ पे फोर ऑफ कप के बिल्कुल तीन सामने कप है और एक कप के बारे में ये सोच रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने डिसीजन ले लिया है, तीन ऑप्शन है तुम्हारे लिए, जो चुनना है वो तुम चुनो। नेक्स्ट है पैसा, तो शायद पास्ट में इस पर्सन ने पैसों को इम्पोर्टेंस दिए थे, प्यार को नहीं दिए थे, और मे बी ऐसा अगर आप किसी फीमेल पर्सन के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है उसने ऐसा सोचा था कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही मेरे लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर हो सकता है, इस पर्सन के यानी कि आपके पास तो इतना पैसा नहीं है, ऐसे भी शायद कुछ सोचा हुआ हो सकता है। और जब शायद कुछ पैसे वाले भी रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन वो ऐसे रिश्ते हैं जिनके बारे में ये पर्सन खुद सोच नहीं सकता, तो उन्हें महसूस हो रहा है कि पैसा सच में क्या इम्पोर्टेंस रखता है। और फाइनल कार्ड है एहसास, तो प्यार क्या होता है, सीरियसली शादी के बाद ज़िंदगी कितनी ज़्यादा बदल जाती है, क्या पैसा ही सब कुछ होता है, या फिर हमें ज़िंदगी में हैप्पी रहने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, इन सब बातों का एहसास अब इस पर्सन को सच्चे दिल से हो रहा है, और इसीलिए ये अब पछतावे के आंसू रो रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।